दोस्तों एक फिल्म का डायलॉग है दुआ में याद रखना। डायलॉग सही मामले में आज नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार पर लागू होता है। शुक्रवार को पुलिस विभाग और आयुक्त अमितेश कुमार ने एक ऐसे मामले का पर्दाफाश किया है जिसमें उन्हें दुआ और आशीर्वाद ही मिल सकता है। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं स्पेशल स्टोरी में। दोस्तों हम हमेशा ही टीवी पर या सिनेमा हॉल में एक्शन फिल्म देखने जाते हैं। उसमें एक पुलिस अधिकारी होता है, वो किसी की मदद कर अपना फर्ज पूरा करता है और हीरो बन जाता है। मगर ये पूरी कहानी होती है, ये हीरो रियल हीरो होता है। लेकिन आज हम आपको अपने संतरा नगरी के ऐसे रियल हीरो के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने एक हताश और वृद्ध महिला के चोरी हुए आभूषण और कैश उसे वापस दिलाई है। घटना 6 जून की है। इस दिन जरीपटका निवासी जानकी खिलवानी दोपहर 12 बजे के करीब घर को ताला लगाकर मंदिर गई थी। उसी समय कुछ चोरों ने घर का ताला तोड़कर घर में चोरी कर घर से सोने के आभूषण और कैश पर हाथ साफ कर दिया। जानकी वृद्ध महिला होने से उनकी पूरी जमा पूंजी वे घर पर ही रखती है। ऐसे में पूरी जमा पूंजी एक साथ चले जाने से वे हताश और निराश हो गई थी। जानकी ने चोरी की शिकायत जरीपटका थाने में कराई थी। इसके बाद जानकी ने शहर के पुलिस आयुक्त से मिलने पहुंची। पुलिस आयुक्त कार्यालय में भीड़ में खड़ी होकर एक वृद्ध महिला कुछ बता रही थी। इस महिला पर आयुक्त का ध्यान गया और उन्हें पास बुलाकर पूरा मामला सुना। इसके बाद पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने ठान लिया कि जानकी को न्याय दिलाकर चोरी हुआ सामान उन्हें वापस लौटाएंगे। इसके लिए विभाग की ओर से 20 टीम तैयार की गई। शहर के सभी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक किए गए और जानकी खिलवानी के घर जिन चोरों ने चोरी की थी उन्हें गिरफ्तार किया गया। मगर चोरों ने कैश खर्च कर दी थी और सोने को पिघला दिया था। पुलिस चोरों से मुद्देमाल सब कर शुक्रवार को सोने के आभूषण और चोरी गए कैश का चेक खिलवानी परिवार को दिया है। खरं ते या घरफोडीबद्दल त्यांचे विक्टिमचे मुलगा आणि नातेवाईक आम्हाला येऊन भेटले होते आणि एक जे विजिटर नेहमीप्रमाणे आम्हाला भेटतात त्याप्रमाणे येऊन त्यांनी भेटून अत्यंत दुखी मनाने त्यांनी सांगितले की त्यांच्या आयुष्यात जे चोरांनी चोरी करून घेऊन गेला आणि अत्यंत निराश मनाने ते आले होते। त्याचवेळी आम्ही एक निर्णय स्वतःहून आमच्यासाठी एक टार्गेट सेट केला होता की हे केस डिटेक्ट करायचे, यामध्ये मुद्देमाल पूर्णपणे रिकवर करायचे आणि त्यांना मुद्देमाल लवकरात लवकर परत भेटेल यासाठी एक आम्ही प्रयत्न करू आणि त्या दृष्टिकोनातून आमचे पोलीस स्टेशन जरीपटकाचे आणि क्राईम ब्रांचचे टीमनी अथक प्रयत्न करून इमिजिएटली त्यामध्ये दिशा आली तपासाला आणि आरोपी अटक झाले, पूर्ण रिकवरी झाली। शुक्रवार का दिन खिलवानी परिवार के लिए किसी त्योहार से कम नहीं। जिंदगी भर मेहनत कर जमा की जमा पूंजी चोरी जाना और वो वापस मिलना ये सही में एक त्योहार ही है। जमा पूंजी मिलने के बाद खिलवानी परिवार ने पुलिस विभाग और खास तौर पर अमितेश कुमार का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि शहर में रोजाना ऐसी घटनाएं होती रहती है, ऐसे में आज का दिन देखने को मिलेगा ऐसा लगा नहीं था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मिलेगा। हमने तो सोचा भी नहीं था कि कुछ भी मिलेगा ऐसे। अभी मिला है तो बहुत खुशी हो रही है। अभी जब चोरी हुई तब आप कहाँ थे और जब मैं मंदिर गई थी 12 बजे दिन को, वहाँ से दवाखाने गई थी तो ये मेड आई खाना बनाने, 1:30 बजे आती है वो आई तो उसने बताया करके घर खुला पड़ा है और शायद चोरी हुई है और पलंग पे सामान पूरा बिखरा पड़ा है, यानी पर्स वगैरह सो भी अलमारी खुली पड़ी है। उसने ही फ़ोन किया मेरे बेटे को, पुणे में था, मैं तो इधर ही थी डॉक्टर के पास बैठी थी। फिर वहाँ पे मेरे पड़ोस वालों का फ़ोन आया करके घर में शायद चोरी हुई है, दरवाजे खुले पड़े हैं। फिर मैं आई उसी टाइम तो देखा मैंने कुछ भी नहीं था, सब सामान पैसे वगैरह गोल्ड वगैरह कुछ भी नहीं था। फिर मेरा जवाई है वो आया उसी टाइम, उसको फ़ोन किया वो आया, फिर उसने कंप्लेंट की, फिर पुलिस आई उसी टाइम इधर। कितना सामान गया था चोरी? 11 लाख का था, 11-12 लाख के अंदर ऐसे। 1,20,000 कैश था और गोल्ड था पूरा। सीपी सर के पास गए, उनके बाद आज पुलिस ने आपको? मैं नहीं गई थी, ये गई थी, मेरी बेटी और बेटा गए थे सीपी सर के पास। आज आपको कैसा लग रहा है जो सामान आपको पूरा मिला है? आपकी कितनी कब की कमाई थी, कैसा? 25 सालों की कमाई थी। ये गोल्ड मेरे को शादी में मिला था, उसी टाइम मेरे को कंगन पहने हुए थे, 5 मिनट में पहले निकाल के और मंदिर गई थी। मैं बोली अभी मंदिर अकेली हूँ, बेटा भी नहीं था, पुणे गया था, तो मैं उसी टाइम ही निकली 12 बजे, 12:15 बजे मैंने कंगन उतारे थे उसी टाइम,
बस अलमारी में रखी और बाहर गई मैं एक घंटे के अंदर, ये मालूम पड़ा तो कुछ भी नहीं है करके। इनिशियली शुरुआत के 4-5 दिन वो उम्मीद खोते जा रहे थे, खो ही दी थी, बट आज लाइक एक्सप्रेस नहीं कर सकता मैं कितना थैंकफुल हूँ पूरे नागपुर पुलिस को, एक्चुअली क्राइम ब्रांच CP सर स्पेशली, बिकॉज उनका जो गाइडेंस था, उनका जो एफर्ट था फॉलोअप का, और सिर्फ लाइक उनके प्रॉपर गाइडेंस और उनके प्रेशर भी नहीं बोलना चाहिए, बट 6 अलग टीम उन्होंने इस चोरी के पीछे लगाया एंड उनको पकड़ा विद इन 12 डेज केस रजिस्टर्ड के बाद, कंप्लेन के बाद शायद 7-8 दिन के अंदर ही उन्होंने चोर को पकड़ा लिया था। तो लाइक मैं बयान नहीं कर सकता मैं कितना आभारी हूँ नागपुर पुलिस का उस चीज़ के लिए। पुलिस स्टेशन तो मुझे शायद ही जाना पड़ा, मैं पुलिस स्टेशन में मैं नागपुर में था नहीं जब ये हुआ। मेरे मॉम ने सिर्फ फर्स्ट डे FIR के लिए जितने राउंड्स मारे, उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन तो कभी नहीं गया। पुलिस वाले मेरे घर आ रहे थे, पूछ रहे थे, कोई भी सवाल रहता था मुझे कॉल आ जाता था, बट मैंने पुलिस के चक्कर नहीं काटे, स्टेशन के तो चक्कर नहीं काटे। कॉल करने पड़े थे, सर कुछ अपडेट है क्या, सर बोलते थे कि हाँ देख रहे हैं CCTV, बताते थे, वो प्रॉपर अपडेट देते थे कि हम यहाँ वाला CCTV देख रहे हैं, हम आज वहाँ वाला CCTV देख रहे हैं, आज यहाँ गए वहाँ गए, ये अपडेट है, कुछ मिला है, फिर कुछ नहीं मिल रहा है, हम इसको देख रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं। उन्होंने प्रॉपर अपडेट दिया, बट एक प्रॉपर लाइक अपडेट तो दे रहे थे कि हाँ हम काम कर रहे हैं, बट एक प्रोग्रेस नहीं था। लाइक हमको मालूम नहीं था कि चोरी यही है, जो कि मालूम होना चाहिए था अल्टीमेटली 4-5 दिन के बाद, जिसकी वजह से हमने सोचा कि हाँ लाइक शायद हम CP सर के पास रीच आउट कर सकते हैं, वो हमें एडिशनल सोर्सेज देंगे, रिसोर्सेज देंगे, जो एक्स्ट्रा हैंड्स देंगे जो देख पाएंगे। तो इसलिए हम CP सर के पास गए एंड इवन CP सर के ऑफिस हमको दोबारा नहीं जाना पड़ा। तो वो लेटर देने के बाद 12 दिन के बाद तो एक्शन मिल गया, तो मुझे तो बोलना चाहिए ही नहीं करके मैंने पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे हैं उस मामले में। मैं पर्सनली FIR होने के बाद तो शायद एक या दो बार ही गया हूँ, जिस दिन मिले थे उस दिन गया था शायद डायरेक्ट, शब्द नहीं है, बयान नहीं कर सकता मैं उनका उतना आभारी हूँ। मैं नहीं, मेरी माँ, मेरी दीदी, मेरे पूरा फैमिली, क्योंकि ऑलमोस्ट शायद 20-25 साल की कमाई है जो गई थी और जो वापस मिली है, तो आप समझ सकते हैं वो कितना बड़ा चीज़ है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो हाँ, मतलब जितना थैंक बोलूँगा उतना तो कम ही है वो। आई नो उनकी ड्यूटी है, बट हर एक चीज़ में, मतलब हर एक चीज़ का क्लू नहीं मिलता है, तो उन्होंने उतना एफर्ट लिया है, हर एक चीज़ को ट्रैक डाउन किया है, उतना एफर्ट है। जैसे मेरी सिस्टर ने बताया कि एक क्राइम ब्रांच की टीम थी जिन्होंने बताया कि वो 2 दिन से सोई नहीं, क्योंकि उनको अपडेट था, वो उनको चेस कर रहे थे। तो ऐसा तो सिर्फ उनका पता है हमको, उस स्पेसिफिक टीम का उन्होंने हमें बताया, बट ऐसे ऑलमोस्ट हर दूसरी टीम थी जो हमारे यहाँ आ रही थी, वो देख रहे थे, अलग अलग एंगल से देख रहे थे। तो हाँ, मतलब मैं जितना बोलूँ उतना कम होगा उनके लिए, तो मैं एक्चुअली उतना थैंकफुल हूँ। एंड नॉट जस्ट पुलिस, उसमें मैं एक्चुअली मेरे जो एरिया के लोग हैं, कॉलोनी के लोग हैं, उनको भी थैंक, बिकॉज उनके कोऑपरेशन के बिना शायद जो हमको इनिशियल क्लू था कि ये लोग हैं, वो नहीं मिला होता। मेन रोल उन्हीं का है एक्चुअली, तो थैंक्स। फिल्मी हीरो अपने अपने किरदार निभाकर बड़े होते हैं, मगर आज नागपुर वासियों ने रियल हीरो को देखा है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN News नागपुर।